जो लड़ाई थारी आज तक किसी ने लड़ी होगी थारा बेटा विधानसभा में जाकर वह लड़के देखा होगा, गारंटी है। पहली गोवाना विधानसभा ऐसी है जिनकी 90 सीटा पर चर्चा है, और 90 सीटा में एक बात कहे हैं, खटखड़ टोल पे कल पंचायत थी 10,000 की सामना की, अमन सहरा वो ओलंपिक में मेडल लिया छोरा उसके गांव में पंचायत थी उसका स्वागत था, कई हजार आदमी आ गए, 84 जाटू खाप बिहानी में तनाना काम में उड़ा पंचायत थी लगभग 20 गांव आ गई, मेरा खुद का गांव लड़ रहा हूं उड़ा पंचायत थी 17 गांव आ गई, सब एक बात कहने लग रहे तेरे बेटे मारे हल्के में होता ना ठोक का बना जाए किसी की वोट की टिकट की कह की भी जरूरत नहीं थी, आधा कमर हो जाए मेरी मैं अपने के बीच एक्सीडेंट में ना गोली मरवा के कितन कितना मरवा देंगे, और ये मरवाए पीछे अखबार में खबर पड़ो ये जमीनों को घेरा है छोरा कामिल वो था गलत हो गया वो गलत। मेरे गांव की सरदारी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे रचिकारा की हाथ जोड़ कर आऊंगा। चुनाव आ गए हैं आप सभी को पता है, एक बीजेपी ने एक स्कीम चला रखी है बहुत गौर से समझना सुनना इस चीज को, मेरा काल का दर्द है मन चुकर बेरा बैठ रहा ना जो चीजा का मेरे उन चीजा का बड़ा दर्द रहा है, आज बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी लो सहना है स्कीम सुनी होगी ना, ये भी स्कीम की असलियत के है उस पर गौर करते हैं, बीजेपी के जुमले के है वे धरती पहुंचने बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल सब टीवी देखा फोन देखा अखबार पढ़ते हैं, एक तो एक बात गांठ बांध लियो अखबार में जो आवेगा टीवी में जो आवेगा फोन में जो आवेगा गोज भरी होनी चाहिए रुपये देखे कि मैं छपुआ लिया वह तो सरकार है ले मैं छपवाऊंगा के छपवाना पीछे लाते हैं सब क्यों बेकाऊ हो रहा ऐसा काम हो रहा, तब पैसा में सरकार पैसा के दबाव में कुछ भी कटवा सकती है, थारा हक खाया जा है थारे जो बालक अभी बेरोजगार होने लग रहे उनका कारण समझना, अभी अभी भर्ती निकाली थी पीछे सी इमिग्रेशन में एसडीओ लिए थे सरकार ने एसडीओ 84 लाख के लिए सारे का प्रचार कर दिया 84 SDO लगा दिया हमने इतनी बड़ी पोस्ट पर नौकरी दे दी न्यूना बताई हुए 84 थे एक सिंगल आदमी हरियाणा का नहीं आरटीआई लागे देख लियो को गुजरात का लाग रहा है को पंजाब का लाग रहा है को यूपी का लाग रहा है, मतलब के बीजेपी सरकार में जिसकी रिश्तेदारी चुरसी जगह थी वो एक हो दिया, और 7 शब्दों में लिखा हुआ है रूल के अकॉर्डिंग हरियाणा से बाहर का 5% आदमी लग सकता है, 5% के हिसाब से जो 84 में कहे 4 नौकरी थी वे बाहर के लाग सकते 80 तो हरियाणा के लागने चाहिए, उनमें 84 के 84 हरियाणा तो बाहर के एक भी बालक मारा उस तो दूसरी भर्ती लिखड़ी HDO हॉर्टिकल्चर में उसमें 53 वैकेंसी लगड़ी 53 वैकेंसियां मैं उसमें भी थारी गल धोखा हरे कितने बालक है टोटल 17 बाकी सारे के सारे बाहर के 50% कौन गुजराती बाबू वोट किसकी मांग है हरियाणा की सरकार पूर्वावास बनावे हरियाणा बालक किसके धक्के खावे हरियाणा के रोजगार की नजे गुजराती बाबुआ में आप देखो का रोजगार की हमारे देश में कमी हो रही है, उस कमी का कारण क्या है उस कमी का कारण है आप लोग, जब आप लोगों के पास चुनाव आवे है वोट देने का नंबर आवे है सवाल जवाब आज तक आप लोगों ने पक्ष विपक्ष से करे नहीं है, किसे नेता मंत्री तास्ती तुमने न्यू कोयला बुझ ली अब इतना हमारे खातर कराया किए है सरकार ने कराया के है काम गणवा पक्ष और विपक्ष दोनों ने तोलिया राजू में पंचायत का काम यो है हाँ भाई तू अपने काम गणवा तू अपने गणवा उनके कारण देखो उनमें
फिर तुमने यू ना कर यो वजनदार है यो थारा पति काम है उसमें बनाओ। गलत कह रहे हो ठीक कह रहे हो। उसने दूसरा एक प्रति और का डीजी बहुत बड़ा घोटाला सीपीएलओ के नाम पर मेरे साथ तो मैंने बेटे भी जरूरत तक एक दो काम का भी ला गया है बटाने का ही मतलब भैया मतलब बैठा हो तो मेरा नहीं आपका भी एक दो बात आपके काम का भी भर्ती हो गया उसमें क्योंकि मैं रोज तक बेटा था वो सके सोनीपत रहते होंगे शहर में फिर क्या था जरूर सीपीएलओ के नाम पर सरकार ने भर्ती का ही दी। ये जो एमपी के इलेक्शन हुए इन तक पहले साढ़े सात हजार वैकेंसी कर उन साढ़े सात हजार वैकेंसिया में 10 लाख फार्म भरी गई 10 लाख फार्म की फीस के थी 1000 रुपया 10 लाख ने 1000 तो गुना कर लियो इतने रुपये सरकार ने थारे बीच में बटोरे लिए चुनाव में लानती और साढ़े सात हजार वैकेंसी दे दी थारते वही तोड़ा फोड़ी में बड़ी स्पीड तो वह भर्ती क्लियर करी क्यों पोस्टर छपवाने थे हमने 7500 बालका तो रोजगार दी वे बालक ले लिए वे बालक लवा दिए लेकिन उसकी हकीकत के पाई कि वे थारे बालक के कर रहे हैं 6 महीने ज्वाइनिंग होली 6 महीने के अंदर उनकी जो सैलरी उनकी जो तनख्वाह उनमें दो डिपार्टमेंट बना रखे हैं एक तो है पंचायती ऑपरेटर दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती एक सी टेस्ट एक सा फीस एक सी दो भागा में बैठ कर दे आपस में एक ना हो जा उन्होंने दो कंडीशन बना दी एक की तनख्वाह तो है 6000 यानी कि 3500 आदमिया की जो तनख्वाह है 3600-3700 की वह है 6000 और जो 3600-3700 बच गए उनकी तनख्वाह है 0 छह महीना तक बेचारे तनख्वाह भी नहीं मिली तत्न्यू पूछना चाहूं ई धरती पे इसी कौन सी सरकारी नौकरी आएगी जिसकी तनख्वाह 6000 है मारे जो पुत्र रहे इन तक पेंशन देर का वादा कर 5100 रुपये देंगे यानी कि बुढ़ा थी बुजुर्गा थी 5100 रुपये और सरकारी नौकर थी उन 900 रुपये और लागत 6000 6000 में बता दो आज के टाइम किसका घर चल रहा वे 30-30 हजार की प्राइवेट नौकरी छोड़ के और 6000 की सरकारी नौकरी करने आए थे और उसका भी के क्या नौकरी हमारे 5 साल के नाम की फार्म में कितनी लिख रखा था फार्म में थी सरकारी वैकेंसी ई बना दिए वे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनमें से एक औरत ने करना लगी ने तात्म हत्या भी कर ली बेचारी क्यों जो खर्चा उसने करया जो करवा नौकरी लागी उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा थारे 12 करोड़ से आंदन लाग रहे हैं ठोकर खाते 543 लोकसभा में एमपी चुनकर गए हैं कितने गए हैं 543 उनमें तो लगभग 290 आदमी आप मुकदमे दर्ज है उनमें के लगभग 170 यानी कि 250 आदमी आप बलात्कार के केस लाग रहे हैं यानी कि जो पूरा बलात्कारी बैठे हैं वे थारी मान बेटिया की के रक्षा करेंगे के कानून बनाऊंगे क्योंकि उन्हें अपना आपा बचाना है या अपना आपा डबोना है कानून बनेगा तो सबसे पहला नंबर उनका आऊंगा जब हम थारे बीच में आवा हमने तो कौन लग गया छाती पारे करते दिखाई कोई ना जाती थारा बाल करती संघर्ष कर रहा मेहनत कर रहा दुख नुआ लग गया गम्मा के आदमी नु कह रहा छोरे कांग्रेस पार्टी के टिकट पा लिया 100% बना जाएंगे मैं आप लोगों का तो एक बात पूछना चाहता हूं जब पार्टी टिकट किसे बलात्कारी दे दे चोर दे दे ठग दे दे उससे न बना दोगे तुम उससे की वोट दे दोगे की अरे कम से कम आदमी की इंसानियत उसके कर्म उसके काम भी तो कोई चीज होती होगी और कमा के मामले की बात बता दू थारे बीच में खड़ा होगी इस पंचायत के बीच में थारा बालक वादा कर रहा है इस किताब के अंदर ना को भजन लिख रहा के ना संगीत ये सारे थारे बालक के प्रयोग काम है सारे काम गड़वाऊंगा तड़का हो जाएगा 3-4 काम थारे बीच में बता देता हूं थारे बालक ने लगभग 1000 से ज्यादा उन बेटिया का ब्याह करवा दिया जिसके बाप और मां जिंदा नहीं थी। दूसरी बात आज के टाइम ने कहा आग्रह भाई बहन या कोई नहीं पाया आग्रह किसी बहन बेटी का जो बिना भैया की बहन हो है ऐसी 150 से ज्यादा बहनों के बात बनती है।
60,000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, कोरोना नाम की बीमारी आई, थारे सारे नेता मंत्री तारे मारे कस हो गए थे। थारा छोरा उस टाइम पे उस बीमारी की परवाह करे बिना सोनीपत के अंदर बीच में खड़ा हो, लोगों के बीच में लगभग लगभग गरीब मजदूर दलित जो पिछड़े थे जिनकी दहाड़ी मरकी थी, ऐसे ऐसे 5,00,000 परिवारों को राशन खिलाया, 5,00,000। ये किताब इन कामों का सबूत है। तारे बीच में या किताब इस पंचायत के बीच में टेक कर जाऊं, कोई भी जब चुनाव लड़न आवे वोट मांगन आवे आड़ा बैठा लियो, और आड़ा बैठा के एक का बात कहनी है, मारा छोर आया था भाई अपने काम गणवाओ था, तू भी अपने काम गणवा दे, जब बता वोट देंगे मैं वादा करूं थारे बीच में खड़ा होकर सारी पार्टियां ने इकट्ठे कर लियो, जब मेरे दाद दुआद काम भी गणवा दे, थारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं देखा होगा घर में ठीक है। अगर उनसे डबल काम कर रहा हूं तो मेरे साथ जी काम का नाम देने का भी फर्ज बने। मानता हूं हर तरह की विचारधारा काम में रहा, हर तरह के आदमी काम में रहे, हर पार्टी के आदमी काम में रहते पाऊंगे। मैं तो थरते का बात कहने लग रहा हूं, जितना इस अत्यारी सरकार के खिलाफ थारा छोरा लड़ा, थारे छोरे ने संघर्ष कराया है, ये वादा है इतना संघर्ष कोई करे नहीं पाऊंगा। थारे सिर्फ एक उम्मीद लेकर आया हूं, यह आवाज नो मत मानियो, हर शिकारा की दप्पण लाग रही है। अगर मैं हार गया, इन सारी माओ के जो बेटे हैं जो यह उम्मीद कर रहे हैं पढ़ लिख कर बड़े हो गए, हम भी कुछ अच्छा करके दिखाऊंगे, अरे उस माँ के लाल की उम्मीद टूट जाएगी, अरे शिकारा की नहीं टूटेगी। तो आप सबसे एक गुजारिश है, जब भी कोई नेता मंत्री किसी पार्टी तो उठेगा, सबसे पहले एक बात का आग्रह, मेरे काम आयो मन वोट दियो, मेरे गोत आयो मन वोट दियो, मेरे कौ अंडाड़ो मन वोट दियो। लेकिन जब वो बन गया ना, सबसे पहले काम कर गोत कर गौ हंड कर इन का अपमान करे, इन गलत मारे, सबसे पहले इन भूला क्यों भूला है न्यूका है, अरे भार क्या तो देख लेंगे, ये तो रोज आडे खड़े रहेंगे, इनने के कामना नाम थर थरती बनी रहा हूं मैं। ये नेता मंत्री आगे बोलो और शब्द मन सुने, थारे बालक ते एक बात, थारे बालक आज एक बात बताना चाहो, अगर विधानसभा के अंदर मारे 5-10 विधायक बैठे होते, इनकी के मजारी बार क्या नवा देते नहीं भर्ती करण में, उड़े इनके अलग में हाथे गए जुबान निकाल लेते, इनकी कमी यह है जो लगा के लड़न आए उन तम भेजते को लिया। एक बापना थी देखो मारे बालक के करण लाग रहे हैं, मारे बालक देश छोड़न लाग रहे हैं, एक एक डाबड़ी बाटा हुआ बेचारा, एक एक किला एक एक खूट बाटा हुआ है, उन्हें बेचेंगे कह कहने टेकेंगे 40-50 लाख रुपये इकट्ठे करेंगे, आगे तक डोंकी मार कर मौत का जो मौत है ना, मौत के मुंह में गए, को अमेरिका जा को कनाडा जा है, उड़े जाकर जो महाराड़ा के बिहारी काम करे बेचारे उड़े जाके बिहारी वाला काम करे, ये काम कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, बेरोजगारी, क्या मां के तो खाना ये है, उड़े जाकर ये उनमें का कई बार ऐसा हो जाता, हमारा इतना मानस पहुंच गया बेचारा ना काम धंधे नहीं मिलते। अगर आप लोगों ने सही नेता चुन रखे हो, सही सरकार चुन रखी हो, क्या जरूरत हमें बाहर देश जाने की, क्या जरूरत अपनी जमीन बेचने की, तो आप सबसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं, मैं वोट आप लोगों को इसलिए वोट की अपील करने के लिए आया हूं, जो लड़ाई थारी आज तक किसे नहीं लड़ी होगी, थारा बेटा विधानसभा में जाकर वहां लड़के दिखाओ, मैं गारंटी है। अब पहली गोवाना विधानसभा ऐसी है जिनकी 90 सीटा पर चर्चा है, और 90 सीटा पे एक बात कहे है, खटकर टोल पे कल पंचायत थी 10,000 की सामना की, अमन सारा वो ओलंपिक में मेडल ले आ छोरा, उसके गांव में पंचायत थी का स्वागत था, कई हजार आदमी आ गई, 84 खाप बेवानी में धनाना काम में उड़ा पंचायत थी लगभग लगभग 20 गांव आ गई, मेरा खुद का गांव लड़ रहा हूं उड़ा पंचायत थी 17 गांव आ गई, सब एक बात कहने लग रहे थे, बेटे मारे हल्के में होता ना ठोक का बना जाए, किसी की वोट की टिकट की क्या की भी जरूरत नहीं थी, आड़ा कमर हो जाए मेरी,
मैं अपने के बीच मांगा बार का चौकी चोगना घर का चौकी चोगना बार का चौकी से मारे अपने मानसा ने मारे की कदर को ये मानस कदर करेंगे कदर करेंगे जब चुनाव हो जाएगा थारे बीच में मैं नहीं रहूंगा सरकार में लगन लग जाएगा बीमारी बीने तो बीने में किसे बांधने थे किसे ओडे थे एक्सीडेंट में ना गोली मरवा के कितन की तरह मरवा देंगे और ये मरवाए पीछे अखबार में खबर पढ़ोगे जब न्यू को घेरा है छोरा कामिल वो था गलत हो गया वो गलत कहने से ना तो आज तक कोई उल्टाया है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चिल्ला चिल्ला मर के रहे देशवासियों एक हो जाओ एक हो जाओ कोई एक नहीं हो गया और जब वे हमारे बीच में नहीं रहे उनका जनाजा निकाला गया अगले दिन लाल चौक के ऊपर से 5 लाख आदमिया की भीड़ थी उनके दर्शन करती देखते भगत सिंह के था 5 लाख